हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा ब्रोंकियल अस्थमा के असेसमेंट के बारे में। आज हम देखेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के एग्जामिनेशन के बारे में, कैसे हम ब्रोंकियल अस्थमा का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे टू टाइप से ब्रोंकियल अस्थमा का एग्जामिन किया जाता है। फर्स्ट है जनरल, जिसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल हेल्थ चेकअप किया जाता है पेशेंट का, जैसे बॉडी टेम्परेचर चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना, ये सब जनरल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में पेशेंट का के बॉडी के डिफरेंट सिस्टमिक फंक्शंस के एग्जामिन किया जाता है डिफरेंट टेक्निक से, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले पेशेंट की हेल्थ देखी जाती है, वेट देखा जाता है कि पेशेंट देखने में मोटा पतला कैसे दिखाई देता है। तो मेनली ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में जो पेशेंट है वो नॉर्मल और कभी पतला भी दिखाई देता है। सेकेंड हम देखेंगे अपीयरेंस, पेशेंट देखने में बीमार, एनेमिक, और जो उसके शोल्डर रहेंगे वो आगे की तरफ झुके हुए नज़र आएंगे ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में। आगे देखेंगे साइनोसिस, बिकॉज ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा टंग्स एंड लिप्स में। हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज मिलेगी ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज रहेगी, पल्स रैपिड रहेगी, टेम्परेचर नॉर्मल भी रहता है, और वो टेम्परेचर जो है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में पेशेंट जो है वो कॉन्शियस ही रहता है। आगे बढ़ेंगे हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन थ्री टाइप से किया जाता है। फर्स्ट इंस्पेक्शन एंड पाल्पिटेशन। इंस्पेक्शन मींस लुकिंग फॉर साइन, पाल्पिटेशन मींस होता है फीलिंग फॉर साइन, एंड परकशन मींस टैपिंग फॉर साइन, ऑस्कल्टेशन मींस लिसनिंग फॉर साउंड विथ यूजिंग स्टेथोस्कोप। तो इंस्पेक्शन में हम साइन एबनॉर्मलिटीज देखेंगे पेशेंट में, पाल्पिटेशन में फील करेंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, परकशन में टैपिंग करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप यूज़ करके साउंड नोटिस करेंगे पेशेंट की। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड पाल्पिटेशन। इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम चेस्ट का शेप देखते हैं, डायमेंशन एंड पॉस्चर डायग्नोज करते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में सिमेट्री ऑफ चेस्ट जो है, मींस जो चेस्ट की समानता है बोथ साइड ऑफ चेस्ट, वो एसिमेट्रिकल रहता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल डायमीटर जो है वहाँ पे एसिमेट्रिकल मिलेगा। आप इस डायग्राम से समझेंगे, जो कुछ इस तरीके से डायग्नोज किया जाता है। एंटीरियर चेस्ट सिमेट्री चेक करने के लिए यहाँ पर जो हैंड्स है वो कॉस्टल मार्जिन पर प्लेस किया जाता है, और पेशेंट को इनहेल मीन्स सांस लेने के लिए किया बोला जाता है। जब पेशेंट सांस लेगा तो मूवमेंट होता है थम्स का, जब ये मूवमेंट इक्वल होगा दोनों हैंड का तो पेशेंट की जो सिमेट्री है वो नॉर्मल रहेगी। अगर मूवमेंट ऊपर नीचे होता है थम्स का मीन्स एसिमेट्री रहेगी पेशेंट में। सेम पोस्टीरियर चेस्ट एग्जामिनेशन में जो हैंड है वो थोरेसिक 9 एंड थोरेसिक 10 रीजन पर रखा जाता है हैंड्स को। वहाँ पर भी पेशेंट को सांस लेने के लिए बोला जाता है, इनहेल करने के लिए बोला जाता है, और मूवमेंट चेक किया जाता है थम्स का। अगर इक्वल मूवमेंट होता है तो सिमेट्री है, और अगर एबनॉर्मल मूवमेंट है, ऊपर नीचे मूवमेंट है थम्स का, तो वो एसिमेट्री रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशन, चेस्ट का डायमेंशन चेक करेंगे डायमीटर। तो यहाँ पे पेशेंट में बैरल चेस्ट मिलेगा। ऐसे तो बहुत सी डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं चेस्ट की, जैसे बैरल चेस्ट हो गया, पैक्टस कैरिनेटम हो गया, पैक्टस एस्कवेटम हो गया, वल्जिंग हो गया, डिप्रेशन और फ्लैटनिंग एंड थिनोइड चेस्ट हो गया। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट में बैरल चेस्ट मिलेगा। इसको हम देखेंगे बैरल चेस्ट कैसा होता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं बैरल चेस्ट को, जो नॉर्मल चेस्ट होता है आप देख सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर नॉर्मल रहता है, लेकिन जो बैरल चेस्ट होता है यहाँ पर बल्जिंग मिलेगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाने के कारण। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों में।
ट्रंक की मोबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर ट्रंक की मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है वो रिड्यूस मिलेगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पोस्चर चेक करते हैं पेशेंट का, तो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में पेशेंट जो है हिप्नोसिस, ड्रॉपिंग शोल्डर एंड बेंडिंग फॉरवर्ड। इस कंडीशन में पेशेंट को जो शोल्डर हैं वो झुके हुए मिलेंगे, बेंडिंग फॉरवर्ड रहेगा, हिप्नोसिस रहेगा पेशेंट। एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि पोस्चर कैसा रहेगा, ये आप देख सकते हैं पोस्चर ब्रोंकियल अस्थमा का। तो पेशेंट है वो आगे की तरफ बैंड होगा और हैंड सपोर्टेड रहेंगे, जिसे हम ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न, नेक्स्ट हम चेक करेंगे पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न। रेट, रेगुलरिटी एंड लोकेशन ऑफ रेस्पायरेशन नोट करते हैं, रेस्ट एंड विद एक्टिविटीज़। रेट पेशेंट में इंक्रीज मिलेगी, रिदम इरेगुलर रहेगा, शॉर्ट इंस्पायरेशन एंड प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन रहेगा, ब्रीथ साउंड जो है वो कम हो जाएगी, डायमिनिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्कसन। पर्कसन का मीन्स होता है टैपिंग फॉर साइन। बॉडी जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके चेस्ट के डिफरेंट एरियाज में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने मिडिल फिंगर का यूज़ करके डिफरेंट एरियाज में, चेस्ट के डिफरेंट एरियाज में टैपिंग करते हैं फिंगर से, जिससे हाइपर रेजोनेंस नोट मिलता है ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में, जो कि एम्फाइजेमा और न्यूमोथॉरक्स की कंडीशन में भी हाइपर रेजोनेंट नोट नोटिस होता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं टैपिंग क्या होता है, परकशन क्या होता है। जो फिंगर है उसको चेस्ट के पेशेंट के चेस्ट के डिफरेंट एरियाज पर टैपिंग की जाती है, जिससे हाइपर रेजोनेंट नोट हमें मिलता है ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में। आगे देखेंगे हम ऑस्कल्टेशन, मींस लिसनिंग फॉर साउंड विथ यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से डिफरेंट चेस्ट एरियाज की साउंड रिकॉर्ड की जाती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में यहाँ पर वेसिकुलर विद प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन हाई पिच्ड एक्सपायरेटरी साउंड हमें मिलती है। वेसिकुलर साउंड मींस लो पिच्ड रसलिंग साउंड विद हाई इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जो एक्सपायरेशन है पेशेंट का उसमें हाई पिच्ड साउंड, जिसमें वीजिंग साउंड भी पेशेंट में आएगी सांस छोड़ने के दौरान, हाई पिच्ड एक्सपायरेटरी साउंड जिसे हम कहते हैं वीजिंग साउंड। देख सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट में एग्जामिन किया जाता है ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप का यूज़ करके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस और डिफरेंट टेस्ट जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में किए जाते हैं। थैंक यू।